तो बहुत खुश है, हमने तो सिल्वर भी गोल्ड भर लग रहा है, गोल्ड उसका आ गया, वो बीमार है लड़का जी, मेहनत करके सब जा रहे। थोड़ा दिन खराब था, थोड़ा बहुत ज्यादा फाउल हो गए, कोई बात नहीं जी, ये तो तीनों हुए हैं बच्चे के खिलाड़ी के। चोपड़ा साहब की वालदा के लिए ये अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जो आप लोगों ने पाकिस्तान के लिए करा और माँ जी ने जो मैसेज दिया है आपको मैं सलूट करता हूँ। गुजरी नीरज चोपड़ा की वालदा साहिबा की वो वीडियो है, और यकीन माने मैं हैरान हो गया हूँ, मैं सर पकड़ के बैठ गया हूँ यार, इतनी बड़ी बात और इतना दिल गुर्दा और इतना मन का बड़ा होना और दिल का साफ होना कमाल है। मैं भारत में ऐसे बहुत से लोग होते हैं मगर इस लेवल पे आकर ये बात कर लेना, यकीन माने सल्यूट है माँ जी आपको, सल्यूट है। सरोज देवी से उन्होंने पूछा जी कि बेटे ने सिल्वर मेडल जीता है ओलंपिक्स में, कैसा लग रहा है? उन्होंने कहा जी बहुत खुश हैं हम लोग, हमारे लिए सिल्वर भी गोल्ड है, ज़बरदस्त। अर्शद जिस बच्चे ने गोल्ड मेडल जीता है वो भी मेरे बेटे जैसा है। सर वी नीड मदर्स सिस्टर्स वाइव्स लाइक सरोज देवी। प्लीज सम वर्ड्स फॉर नीरज मदर। उन्होंने कहा है कि जो जीता है वो भी मेरा बेटा है। उन्होंने कहा है कि जी जो सिल्वर नीरज ने जीता वो भी एक बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि तमाम उन्हें पता है, और जिसने गोल्ड मेडल लिया वो भी मेरा बेटा है। ये होती है बात, माँ जी आपको सलूट है, आपने जो ये मैसेज दिया ना। मगर जो नीरज चोपड़ा की वालदा साहिबा ने जो बात की है ना, यकीन माने मन खुश हुआ है, दिल खुश हुआ है मेरा, इतनी बड़ी बात, और इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है कि आपका बच्चा जो कि हॉट फेवरेट था और गोल्ड जीत सकता था, सबको पता है वही जीतेंगे, लेकिन उसमें अर्शद नदीम ने अपनी मेहनत के बलबूते गोल्ड जीता। इसमें आप कह रहे हैं नहीं मैं उस बच्चे से भी खुश हूँ, अपना ही बच्चा है। सर जाने दें, आप पता नहीं कौन सी दुनिया में बैठे हुए हैं, निकलो कुएं से भाई, ये जो आपको नफरत के कुएं में ठूंसा है ना मेंढकों की तरह, आगे दुश्मन ही हैं, इनको देखो मार दो, निकलो भैया। वो माँ ने कह दिया भैया वो भी मेरे बेटे की जैसा है, वो तो कभी दीन धर्म बीच में नहीं लेकर आई। बहुत खुशी हुई, सलूट और करूंगा चोपड़ा साहब की वालदा के लिए, जो उन्होंने बयान दिया ना कि मेरा बेटा फिट नहीं था लेकिन उसके बाद भी टॉप थ्री में आया, और जिसने गोल्ड मेडल लिया वो भी मेरा बेटा है। ये होती है बात, माँ जी आपको सलूट है, आपने जो ये मैसेज दिया ना, ये बहुत बड़ा इवेंट हुआ है जी एशिया में, दो टॉप थ्री में से दो लोग एशिया के, इंडिया और पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे ना दोनों के, एंथम बजे दोनों के, एक दफा दोबारा दिल चाह रहा है चोपड़ा साहब की वालदा के लिए कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जो आप लोगों ने पाकिस्तान के लिए करा और माँ जी ने जो मैसेज दिया है आपको मैं सलूट करता हूँ। गुजरी नीरज चोपड़ा की वालदा साहिबा की वो वीडियो है, और यकीन माने मैं हैरान हो गया हूँ, मैं सर पकड़ के बैठ गया हूँ यार, इतनी बड़ी बात और इतना दिल गुर्दा और इतना मन का बड़ा होना और दिल का साफ होना कमाल है। मैं भारत में ऐसे बहुत से लोग होते हैं मगर इस लेवल पे आकर ये बात कर लेना, यकीन माने सल्यूट है माँ जी आपको, सल्यूट है, क्या बात है, बड़ी बात कर दी है। और नीरज चोपड़ा की वालदा साहिबा एक इंडियन मीडिया के ऊपर बात कर रही हैं, उन्होंने बोला कोई नहीं ये जरा अर्शद जीते हैं ना ये भी अपना ही बच्चा है। ओए होए 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 यार ये सल्यूट है। तो हम आपको बताते जाएं कि अर्शद नदीम जो पाकिस्तान के नेजा फेंकने वाले बहुत बड़े जो हैं वो एथलीट हैं, और उन्होंने बहुत बड़ा गोल्ड मेडल हासिल किया है ओलंपिक्स में, तो पाकिस्तानी मीडिया इसके बारे में क्या कहता है वो हम आपको आज आपने मुकम्मल सुना है, और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। इंडियन मीडिया भी इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा उनकी तारीफ़ करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है पाकिस्तानी फैंस के लिए कि अर्शद नदीम ने जब भी पाकिस्तान के लिए पहली मरतबा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है पाकिस्तान के इस नौजवान ने, एक रिकॉर्ड साज थ्रो फेंकी है 92.97 के हिसाब से, सबसे ज़्यादा लंबी थ्रो फेंकने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ओलंपिक में बना दिया है, और गोल्ड मेडल भी पाकिस्तान के लिए जीता है। पाकिस्तान ने ये 40 साल बाद ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है, इससे पहले 1984 में हॉकी की पाकिस्तान की टीम ने गोल्ड मेडल जीता था, अब जो है उन्होंने जीता है, और ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है।